नमस्कार साथियों, इस समय हम आप देख सकते हैं पिट्ठू का खेल यहाँ पर चला हुआ है। आप जानते हैं कि बचपन की यादें, ये पिट्ठू, और ये देखिए इसी बीच इन्होंने पिट्ठू बना दिया है। और ये बॉल आती हुई, ये बॉल उधर गई, तो आज हम ये देखिए पिट्ठू कर दिया है। तो ये पिट्ठू का खेल दोस्तों आज का नहीं है, बचपन की यादें आज हम ताज़ा कर रहे हैं यहाँ पर। बचपन में हमने काफ़ी पिट्ठू खेला है और आज यहाँ पर ये पिट्ठू की गेम शुरू हो गई है। तो देख सकते हैं आप, इसमें क्या होता है कि जब तक बॉल, ये देखिए, तो यहाँ से शुरू हो गई है, ये देखिए, ये तो नंबर ऑफ फाइव अटेम्प्ट्स में, ये देखिए ये, तो अगर ये फाइव अटेम्प्ट्स में नहीं गिरा पाए, और कम से कम इन्हें गिरानी होती है, ये पत्थर ये जो यहाँ दिख रहे हैं आपको, कम से कम गिराने होते हैं दोस्तों। तो अभी चार अब भी नहीं गिरा पाए ये, तो उस गोले के उधर से, उस रिंग के वहाँ से लास्ट चांस है, लास्ट चांस है, तो अब गिरा दिए इन्होंने। और ये देखिए बच गए, तो इसी बीच में इनकी टीम यहाँ पर पिट्ठू बना देगी। और ये देखिए, तो इसमें दो टीम में होती है, एक आउट हो गया। तो इसी बीच यहाँ पर ज़्यादा देर बॉल को इसमें होल्ड भी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि रग्बी खेलते हैं, रग्बी की तरह ये गेम है दोस्तों। अब ये देखिए बॉल उधर चली गई, जोर से हिट करना होता है, ये देखिए अपने, और ये एक आदमी जो है वो पिट्ठू बचाता है यहाँ पर, और उतने में पीछे से जितने में बॉल बड़े पर है, उतने में ये पिट्ठू कंप्लीट कर दिया, उतने में पिट्ठू हो गया, पिट्ठू कंप्लीट। तो ये दो टीमें यहाँ पर है इस पिट्ठू में, पिट्ठू का खेल। तो ये अब फिर से, जब पिट्ठू होने के बाद फिर से चांस दिया जाता है, देखिए अब ये पहली बार में पिट्ठू जब हो जाता है तो फिर पिट्ठू फिर से गिराना होता है। पाँच दो दो तीन, थ्री चांस में नहीं गिरा पाए हैं, फाइव आउट हो जाएंगे फिर उसके बाद चार, तो अब लास्ट चांस है इनका, तो और भी नहीं गिरा पाए, सात है, सात, सात बार में ये गिराना होता है। और ये पत्थर बहुत दूर दूर गिरे हैं, जिस जितने में बॉल उधर गई है, ये देखिए उतने में यहाँ पर दूसरी टीम के, विपक्षी टीम के लोग यहाँ पर पिट्ठू उड़ाने पहुँच जाते हैं, और ये आउट हो गया। जिसको बॉल लगती रहेगी वो आउट होता रहेगा, वो बाहर जाता रहेगा, और जब ऑल आउट हो जाएंगे तो ये देखिए, ये देखिए, तो ये वो देखिए यहाँ पर, और ये दो आउट हो गए। उतने में यहाँ पर ये एक और आउट हो गया, तो ऑल आउट, तो अगर ये पिट्ठू कंप्लीट नहीं हुआ और ऑल आउट हो गए तो दूसरी टीम हार जाती है। और ये देखिए इसी बीच में जितने में बॉल वहां पर है, उतने में कर क्या रहा है, पीछे देख कर यार, और ये देखिए अब ये यहाँ से हिट करेंगे, ये देखिए ये निशाना, और ये जितने में बॉल उधर गई, उतने में पिट्ठू का मौका मिला है बनाने का, ओ नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं, नहीं, ओ आउट आउट आउट। तो ये गेम भी अच्छी है, और इसमें दिस गेम इज ऑल्सो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिजिक, गुड फिजिकल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर दिस गेम, एंड ऑल्सो निशानाबाजी फ्रेंड्स, इसमें अच्छी निशानाबाजी चाहिए। तो ये देखिए एक और आउट हो गया, ऑल आउट, तो ऑल आउट हो गई है टीम, तो अब ये दोबारा से पिट्ठू बनाया जाएगा, और अब विपक्षी टीम की जो है वो चेस करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए पिट्ठू दोबारा से बना दिया गया है, अब ये एक जो आदमी है वो पिट्ठू बनाएगा, ये जो है दूसरी टीम चेस करेगी, अब पहली बार, पहला चांस, तो पहले चांस में नहीं कर पाए वो, दूसरा चांस, तो पांच चांस मिलते हैं इसमें, बॉल को जोर से
जिसको बॉल टच कर जाती है और गिरा दिया है ये। और अब भागेंगे विपक्षी टीम वाले, तो इसमें आउट करना होता है। एक आउट हो गया है, आउट्स आउट। तो सर आप रेफरी बनो रेफरी। तो ये आज हमारे संस्थान के जो वाइस प्रिंसिपल सर हैं उनके, उन्होंने बोला कि पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, और ये रेफरी है इस मैच के और साथ में दो रेफरी हैं हमारे वीर सर। सर यहाँ से रेफरी, और ये गेम आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड। यहाँ पर दोस्तों एक पुरानी सी बिल्डिंग हुआ करती थी और धूप भी नहीं आती थी, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। हमारे यशस्वी प्रधानाचार्य जी आप देख रहे हैं सामने, जिन्होंने ये बढ़िया सा ग्राउंड बनाया, और आज बच्चे यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बाहर आई है इसमें। तो अब पिट्ठू द्वारा, पिट्ठू कंप्लीट होने के बाद ये दोबारा इसको गिराना होता है जब तक ऑल आउट नहीं हो जाए, और ये फिर गिरा दिया है, और ये बॉल दूर गई है। इसी बीच यहाँ पर ये, इसी बीच जब तक, और ये आउट हो गया। और अब एक पिट्ठू लगाना है तो जो दूसरा वाला आएगा वो पिट्ठू लगा देगा, और ये बच गया, बच गया। तो पिट्ठू को नहीं, एक और आउट हो गया, एक और आउट हो गया, और सिर्फ एक पत्थर लगाना है। तो ये पिट्ठू हो गया, पिट्ठू 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 हो गया जी। तो अब दोबारा गिराया जाएगा, मैच रेफरी का इशारा पिट्ठू का, वहाँ पर पिट्ठू हो गया है, और अब दोबारा से गिराया जाएगा, ये दोबारा गिराया जाएगा। जब तक फ्रेंड्स ये पिट्ठू बनाते रहेंगे तब तक जिसके ज़्यादा पिट्ठू होंगे वो जीत जाएगा। तो अब फिर गिराया जाएगा इसे, एक जिसके ज़्यादा पिट्ठू होंगे वो जीत जाएगा ना। तो ये गेम है फ्रेंड्स, पहला चांस। हालांकि अभी इसके कुछ राष्ट्रीय स्तर पर कोई R&P रूल्स नहीं बने हैं, ये देखिए, और ये दूर भाग गया। तो ये अच्छी, इसमें एक अच्छा एंटरटेनमेंट और स्वास्थ्य के लिए भी, ये देखिए, ये गया, एक आउट हो गया, और जीते में बॉल, बॉल की ट्रैवलिंग के हिसाब से पिछला खिलाड़ी जो है वो, ये आउट आउट आउट, अच्छा निशाना। तो ये, और ये एक और आउट, अच्छा निशाना, अच्छा निशाना, अच्छा निशाना, ओ भाई अच्छा निशाना। इसी बीच यहाँ पर पिट्ठू करने का मौका मिल गया, पिट्ठू करने का मौका मिल गया, ओह एक और आउट, ऑल आउट, खत्म, ऑल आउट हो गए। तो ये मैच यहाँ पर खत्म हुआ, कौन सी टीम जीती भाई? तो जो टीम लास्ट वाली टीम जीत चुकी है। ये था मैच पिट्ठू का, अब दूसरा राउंड शुरू करेंगे फ्रेंड्स। ये थक चुके हैं, काफ़ी अच्छा मैच रहा ये, और यहाँ पर मज़ा आया इस मैच को देखने का, पिट्ठू का मैच। तो दूसरा, दूसरी दो टीमें और आ रही है, एक मैच हो चुका है, अच्छा रहा मुकाबला फिर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय हिमाचल। आप भी कुछ ना कुछ खेलिए जरूर, अब खेल से नशे से भी दूर रहते हैं और थोड़ा फिटनेस ठीक रहती है लड़कों की। तो ये दूसरा मैच यहाँ पर शुरू हो रहा है, मैं अगली वीडियो में आपको दिखाता हूँ पिट्ठू, जो कि बच्चा हम गलियों में खेलते थे। इसका बहुत ही अच्छा खेल है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर आगे लाना चाहिए ताकि एक स्पोर्ट्स की तरह इसे देखा जाए और आगे इसका लेवल थोड़ा सा, इसके कुछ रूल बनाकर लेवल बढ़े तो ये अच्छा खेल होगा। जय हिंद दोस्तों, जय जय हिमाचल, भारत माता की जय।